हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सात महीने पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे एमएलसी, अब योगी सरकार ने खत्म कर दिया केस। सात महीने पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह पर 2013 में दर्ज हुए एक आपराधिक मामले को राज्य सरकार ने वापस लेने का ऑर्डर दिया है। सिंह पर रायबरेली में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था, तब उन पर और अन्य 10 लोगों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते सुल्तानपुर रायबरेली हाईवे जाम करने का केस दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई प्रयागराज के एक कोर्ट में लंबित है। प्रयागराज के जिला सरकार परिषद गुलाब चंद अग्रहारी ने बताया कि दिनेश सिंह के खिलाफ मामले में वापसी आवेदन कल संबंधित अदालत में ले जाया गया था। हमें रायबरेली जिला न्यायाधीश के जरिए राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा वापसी का आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस ने बताया कि दिनेश सिंह और अन्य लोगों ने दिगिया बाजार क्रॉसिंग पर प्रदर्शन किया था। सुल्तानपुर रायबरेली हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। प्रदर्शन की वजह से वाहनों और एम्बुलेंस की आवाजाही प्रभावित हुई। बाद में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के बल का इस्तेमाल किया गया। इस पर तब के मिल एरिया पुलिस स्टेशन के तैनात पुलिस अधिकारी ने शिकायत के आधार पर दिनेश सिंह और अन्य 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सभी के खिलाफ एपीसी की धारा 145, 341 और 283 के तहत केस दर्ज किया गया। रायबरेली पुलिस ने केस की छानबीन और जनवरी 2016 में सभी आरोपियों के खिलाफ इन्हीं धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई। दोस्तों, मामले में दिनेश सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उस वक्त मैं सुल्तानपुर जा रहा था, तब मैंने देखा कि दिगिया बाजार क्रॉसिंग लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन एक व्यापारी पर हमले को लेकर था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मेरा वाहन रोका, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि था और एमएलसी होने के चलते मैं प्रदर्शन में शामिल हुआ। हालांकि रोड ब्लॉक नहीं किया गया, पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया है और मुझे फंसाया है। एमएलसी ने आगे कहा कि मैंने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की जांच कराने को कहा, तब की समाजवादी सरकार में मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज हुआ। मैंने सीएम से गुजारिश की कि जांच में मेरे खिलाफ एफआईआर झूठी साबित होती है तो इसे वापस लिया जाए। इसके बाद केस वापस लिया गया। अभी हाल ही में केस को लेकर मुझे जानकारी नहीं है। हनुमान जी को दलित बताने पर घमासान, अब वाराणसी में उनके जाति प्रमाण पत्र के लिए आया आवेदन। दोस्तों, कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज है। अपने फायदे के लिए किसी भी चीज को मुद्दा बनाकर राजनीति की जा सकती है, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। दोस्तों, ताजा मामला भगवान राम के बाद हनुमान को दलित बताने के बाद मचे सियासी घमासान का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक चुनावी रैली में हनुमान को दलित समुदाय का बताया था, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के ही एक जिले में जहां दलित समुदाय द्वारा बजरंगबली के एक मंदिर पर कब्जे की खबर सामने आई, तो पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हनुमान जी का जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा आवेदन भी किया गया है। जिला मुख्यालय पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बजरंगबली के जाति प्रमाण पत्र की मांग की। उसके लिए कार्यकर्ताओं ने बाकायदा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त का आवेदन फॉर्म भरा। दोस्तों, रोचक बात तो ये है कि कार्यकर्ताओं ने आवेदन फॉर्म में वांछित जानकारी भी भरी है, जैसे बजरंगबली के पिता का नाम महाराज केशरी, जाति में वनवासी आदि भरा हुआ है। कार्यकर्ता फॉर्म लेकर कार्यालय में गए और जाति प्रमाण पत्र की मांग की। प्रगतिशील युवजन सभा के लोग हनुमान के दलित होने पर उनके आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं। सभा के जिला अध्यक्ष हरीश मिश्रा कहते हैं कि पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बताया था, उसी क्रम में आज यहाँ उनकी जाति प्रमाण पत्र के आवेदन किया गया है। हरीश मिश्रा ने कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार भगवान को राजनीति में घसीटा जा रहा है, उसके विरोध स्वरूप हमने ये कदम उठाया। पहले राम जी को घसीटा, अब हनुमान को। अगर वह दलित है तो जाति प्रमाण पत्र दे और उनके आरक्षण की भी मांग करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों राजस्थान के अलवर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बजरंगबली एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, निर्वासी है, दलित है, वंचित है। भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको जोड़ने का काम बजरंगबली करते हैं। देश में धर्म के नाम पर बंटवारे के खेल पर खफा हुए चर्चित आईएएस अशोक खेमका बोले, ऐसे लोग धार्मिक नहीं। देश में धर्म के नाम पर नफरती दीवार खड़ी करने की कोशिश में जुटे लोगों को हरियाणा के चर्चित आईएएस अफसर अशोक खेमका ने आड़े हाथ लिया है। 24 साल में 51 ट्रांसफर झेलने वाले देश के ईमानदार अफसरों में शुमार खेमका सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं।
उन्होंने ट्वीट कर धर्म के आधार पर इन दिनों चल रहे बंटवारों को गलत ठहराते हुए ऐसे लोगों को नसीहत दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किए एक ट्वीट में कहा, धर्म दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जो धर्म का दुरुपयोग कर तोड़ने का प्रयास करता है वह धार्मिक नहीं। अशोक खेमका के ट्वीट पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने जहां इसकी सराहना की, वहीं कुछ ने चुटकी भी ली। सृजन सेंगर ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, इसे भाजपा से जोड़कर बिल्कुल न देखें। जगदीश प्रसाद ने अशोक खेमका के ट्वीट के जवाब में कहा, देशद्रोही का कोई धर्म नहीं होता साहब, ये बात इनको कौन समझाए। ऐश्वर्या ने लिखा कि आज वोट के लिए भड़काने का खेल चल रहा है। अम्बरीश बसु ने लिखा, धर्म का हरण किया जाता है, धारण हमेशा अच्छी तरह किया जा सकता है, जिससे अपने साथ अन्य को भी सुख चैन मिले। रत्नाकर यादव लिखते हैं, धर्म का विकृत रूप इंसानों को मजहबों, जातियों, सीमाओं, रंगों और नस्लों में बांटता है। केवल कर्मकांड ही धर्म की संकीर्ण परिभाषा बनकर रह गया है। कलयुग में लोग धर्म की परिभाषा अपने अपने विवेक से गढ़ते रहते हैं। दोस्तों, अशोक खेमका 1991 बैच के हरियाणा काडर के IAS है। 24 साल में 51 बार ट्रांसफर हो चुका है। गुरुग्राम में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे की जुड़ी जांच के कारण अशोक खेमका सुर्खियों में रहे। कहा जाता है कि अशोक खेमका जिस भी विभाग जाते हैं वही वहां के घपले घोटाले उजागर करते हैं, जिसके चलते अक्सर उन्हें ट्रांसफर झेलना पड़ता है। भूपिंदर सिंह हुड्डा के शासनकाल में बतौर व्हिसल ब्लोअर घोटालों का खुलासा कर चुके हैं। अशोक खेमका पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पैदा हुए, फिर IIT खड़गपुर से 1988 में बीटेक किए और बाद में कंप्यूटर साइंस में PhD की। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उनके पास MBA की डिग्री भी है। नवंबर 2014 में तात्कालिक हुड्डा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा और DLF की लैंड डील से जुड़े खुलासे के बाद खेमका का तबादला परिवहन विभाग में कर दिया था, जिस पर सवाल भी उठे थे। कारोबारियों को बुलेट ट्रेन दे रहे हैं PM मोदी, जवानों को क्यों नहीं देते बुलेट प्रूफ जैकेट, अखिलेश। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि BJP की गलत नीतियों की वजह से गरीब, किसान और नौजवान सभी परेशान हैं और BJP के लोग अब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मुद्दे उछालकर अपनी नाकामियों से ध्यान भटका रहे हैं। फिरोजाबाद में कारगिल शहीद ब्रजलाल की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि BJP की गलत नीतियों से आज देश में जवान, किसान और नौजवान सभी दुखी और परेशान है। देश की फौज पर देशवासियों को गर्व है। भारत माता की रक्षा के लिए ना जाने कितने वीरों ने अपनी शहादत दी, लेकिन BJP सरकार ने सेना को सम्मान देने की बजाय अपनी राजनीति से अपमानित करने का काम किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों को जब भी मौका मिला उन्होंने फौज और फौजियों को सम्मान देने का काम किया है। नेताजी मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने फैसला किया था कि शहीद होने के बाद जवानों का शव उनके घर आएगा। उसके पहले केवल बेल्ट और कैप आती थी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इसी तरह से नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो जवानों को शहीद होने पर प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद देना शुरू किया था और जब फिर सरकार बनी तो हमने सेना, अर्धसेना बल और पुलिस के जवानों को शहीद होने पर 20 लाख रुपए देकर उनके परिवार की मदद करने का काम किया। अखिलेश ने कहा कि पिछले 4.5 साल में केंद्र की BJP सरकार में सेना के 350 जवान शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो एक जवान के सिर के बदले 10 सिर लेकर आएंगे, लेकिन केंद्र में सरकार बनने के बाद मोदी के वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अब जवानों की शहादत पर चर्चा करने के बजाय देश को मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की बहस में उलझा रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के हीरा कारोबारियों के लिए बुलेट ट्रेन बना रहे, लेकिन वह कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे हमारे जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं देते। दोस्तों, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी करके सारा पैसा बैंकों में जमा कर लिया, उसके बाद भी जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। अखिलेश ने कहा कि जवानों के साथ किसान और नौजवान भी BJP की सरकार से बहुत परेशान है। कार्यक्रम में पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि BJP की सरकार सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं के लिए काम कर रही है, सभी वर्गों के लिए कोई काम नहीं कर रही। आने वाले लोकसभा चुनाव में BJP को हराना बहुत जरूरी है। BJP को समाजवादी पार्टी
पार्टी ही हरा सकती है, हमें एकजुट होकर हर हालात में इसे हटाना होगा। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वह किसानों, गरीबों, नौजवानों और महिलाओं के लिए काम करती है। आगामी लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं और नौजवानों को समाजवादी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इन वर्गों की मदद की है और उनकी समस्याओं को हल किया है। गिराया जाएगा अलीबाग में मौजूद नीरव मोदी का अवैध बंगला, सरकार ने HC को बताया। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले में मौजूद नीरव मोदी के अवैध बंगले को महाराष्ट्र सरकार गिराने जा रही है। इस बात की जानकारी सरकार ने हाई कोर्ट को दी। सरकार ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। नीरव मोदी की ये बिल्डिंग अलीबाग बीच के पास है। सरकारी वकील PB काकड़े ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति MS कार्णिक की बेंच को गुरुवार को बताया कि उस इलाके में राज्य और तटवर्ती क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई 58 अन्य निजी इमारतों को भी ढहाने का नोटिस भेजा गया है। उन्होंने पीठ के पुराने आदेश के अनुपालन के संबंध में अदालत को ये जानकारी दी। गौरतलब है कि पीठ ने सरकार को यह बताने का निर्देश दिया था कि वह अलीबाग में बीच के किनारे बनी अवैध संपत्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नीरव मोदी के इस बंगले को गिराने का आदेश 4 दिसंबर को ही जारी किया गया था। दरअसल नीरव मोदी को अलीबाग क्षेत्र में 376 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर बंगला बनाने की परमिशन ली थी, लेकिन उसने 1071 स्क्वायर मीटर की जगह का घेराव किया। अब सरकार द्वारा इस अवैध निर्माण का ढहाया जा रहा है। सिर्फ नीरव मोदी ही नहीं बल्कि इस इलाके में 58 अन्य निजी संपत्तियां भी है जो अवैध निर्माण के तहत आती है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।